गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय हमेशा वे विषय ढूंढते हैं जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। दिग्विजय सिंह कमलनाथ को दबाने के लिए भोपाल में सक्रिय हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा कि दिग्विजय सांप्रदायिकता फैलाने वाले विषय ढूंढते रहते हैं जिससे माहौल खराब होकर भोपाल में दिग्विजय सिंह के सक्रिय होने को लेकर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ को दबाने के लिए भोपाल में हैं, लेकिन भोपाल की जनता पहले ही उन्हें नकार चुकी है। वैक्सीनेशन पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का नाम देश में हो जाएगा तो कांग्रेस को दुख तो होगा। आलोचना करने की आदत जिसे हो जाती है वो जाती नहीं है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारे समय में वैट नहीं बढ़ा, जब राहुल गांधी की सरकार थी तब बढ़ाया गया था। दिग्विजय सिंह हमेशा इस देश के अंदर वो विषय ढूंढते हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो। यही ट्वीट उस दिशा को संकेत दे रहा है। देखो, जिसमें मध्य प्रदेश ने देश में नाम कर लिया वैक्सीन में, अब प्रदेश का नाम देश में हो जाएगा तो कांग्रेस को दिक्कत तो होगी है, और उसे तो आलोचना की आदत है। अगर देश का नाम विश्व में कहीं हो जाए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जैसे वैक्सीन का निर्माण देश के अंदर, तो वैक्सीन पर आपत्ति। आलोचना करने की अगर किसी की आदत हो जाएगी तो वो जाती नहीं है, उसको आलोचना की आदत हो गई है। वो निश्चित रूप से उसके गुरु हैं दिग्विजय सिंह जी, राहुल बाबा के, तो उनको ज्यादा ज्ञान अपने शिष्य में नजर आता होगा, और अगर ऐसा ज्ञान है और ऐसे ज्ञान में कांग्रेस का ये हर्ष है कि 10 साल में आज तक नेता विपक्ष का नहीं चुन पाई, जो चुका है पिछले चुनाव में, कि भोपाल उनके बारे में क्या सोचता है। ये भोपाल की सक्रियता नहीं है, ये सक्रियता कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश के खिलाफ है। दरअसल जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ये मध्य प्रदेश के अंदर हमारे समय में वैट नहीं बढ़ा है, उन्हीं के समय में बढ़ा था। राहुल गांधी जी की सरकार थी तब बढ़ा था, ये तब बढ़ा था जब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डीजल पेट्रोल के भाव कम करने का कहा था। तो इसलिए राहुल बाबा वास्तविक स्थिति का चरित्र तो कभी करते नहीं है। जब इस तरह से आलोचना करते हैं तो लगता पूर्वाग्रह से पीड़ित है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।